हम करने वाले हैं आज अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मस्जिद की सफाई। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मस्जिद देखो माशाल्लाह माशाल्लाह। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस ये ब्लॉग जो है भाई बहुत दिनों बाद बन रहा है, बिकॉज मेरे चल रहे हैं अभी बोर्ड एग्जाम और मैं यार इतना बिजी हूँ पढ़ाई में कि टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, इसलिए मैं ब्लॉग बना ही नहीं पा रहा हूँ। और आज मैं बना रहा हूँ ब्लॉग, और अभी मेरा एक पेपर रह गया है सिर्फ सोशल स्टडी का, SST का, तो वो है हमारा 3 दिन बाद। तो 5 पेपर हमारे हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान शरीफ भी आने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, 1 हफ्ते बाद रमज़ान शरीफ भी आ जाएंगे और 7 तारीख को हमारे पेपर ख़त्म होंगे, 7 मार्च को। 12 मार्च को पहला रमज़ान है और इसी लिए हम करने वाले हैं आज अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मस्जिद की सफाई, मैं और हमारे दोस्त अंदान भाई। तो हम लोग करेंगे आज अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद की सफाई। अभी हम जाएंगे मस्जिद और दिखाएंगे आप लोग को इंशाल्लाह कि क्या क्या सफाई करने वाले हैं हम। तो चलते हैं अभी मस्जिद सफाई करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मस्जिद, ये हमारा फ्रंट गेट माशाल्लाह अजीज। तो अभी हम मस्जिद के अंदर चलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अजीज। यहाँ पर अभी पुताई का काम हुआ है माशाल्लाह। ये देखें, ये हमारी मस्जिद का वो दुखाना, और अभी सब पुताई का काम हुआ है मस्जिद में। ही देखो सारी सब चीज़ें समेटी हुई हैं, ये देखो माशाल्लाह माशाल्लाह। ये सारे में यहाँ से यहाँ तक सब जगह पर पेंट हुआ है, ऊपर दिख रहा वाइट वाइट, यहाँ पर सारा पेंट हुआ है। और आज हम करने वाले हैं ये वाला, ये जो एरिया दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक की सफाई करने वाले हैं पूरी। ये जो गुम्बद दिख रहा है ना, इस पर बहुत धूल है, यहाँ से देखो ये दिखती है धूल, ये यहाँ पर भी धूल है, यहाँ भी, यहाँ भी, ये सब धूल हो रखी है इस पर। तो आज हम ये साफ़ करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। ये एरिया जो है हम पूरा साफ़ करेंगे पानी लगा के कपड़ों से, आधा गर्मी नहीं है ना, नहीं तो हम ये सारी मैट्स हटा के जो बिछी हुई हैं सारा मतलब फर्श धो देते हैं अगर ज़्यादा गर्मी होती है ना। अभी तो मौसम बहुत अच्छा, देखो 17 डिग्री है टेम्परेचर, तो इतनी गर्मी है नहीं, इसलिए हम ये नीचे वाला जो है मैट्स हैं ये नहीं हटाएंगे, ऐसे ही साफ़ कर देंगे। ऊपर ऊपर की जितनी भी टाइल्स लगी हैं, ये वाली टाइल से और ये साइडों में जो टाइल्स हैं, ये सब हम ऐसे ही साफ़ कर देंगे कपड़े से पानी से। और पंखों की भी अभी साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पंखे चलेंगे नहीं। हमारे अदनान भाई भी आ चुके हैं, ये हमारे अदनान भाई एंड मैं, और हमारे अदनान भाई आज सफाई करेंगे। तो पहले हम ये समेट रहे हैं चटाई, ये जितनी भी है मैट ये आगे तक समेटेंगे, बिकॉज हमें ये ले जानी है, ये वाली जो दिख रही है इतनी ऊंची संदली, इसे ले जाएंगे हम वहाँ पर, वहाँ पर रख के तभी इसकी सफाई करेंगे, क्योंकि ऐसे तो पहुँच नहीं पाएंगे हम लोग, वो रखना पड़ेगी हमें, तो इसलिए हमें ये हटाना है। तो ये हटाते हैं पहले, नंद भाई समेट रहे हैं। यूजली ये जो है ये हमारा सामने होता है, अभी यहाँ पर इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पर पेंट हुआ था ना, तो इसलिए यहाँ रखा है। अभी फिलहाल हमने ये सब चीजें जो हैं वो बिल्कुल हटा दिए हैं, सारी मैट्स हमने यहाँ पर रख दी हैं, देखो कुछ यहाँ पर भी रखी हुई हैं। तो अभी सब कुछ समेट दिया है हमने और अब इसकी बारी है, हम इसको उठा के यहाँ पर ले जाएंगे।
हमने अभी यहाँ रख दी है, और हमें पता है क्या क्या साफ करना है, ये जो बीच वाला गुम्बद है ये साफ करना है इधर साइड के बस, बाकी ये जो तीन चार है ये तो हो रखे हैं, और ये पूरा साफ करना है ये यहाँ से पूरा, ठीक है। तो अब घड़ी उतार दी है नान भाई ने, अब घड़ी रखते हैं साइड में, और ये भी अभी निकाल देंगे हम, इसमें नमाज का टाइम होता है सारा। कुछ इतनी बहुत सी धूल निकली है देखो सारी, वहां से हमने सफाई करी है वहां से यहाँ तक इतनी बहुत सारी धूल निकली। अभी हम जो वो ले गए ना वहां पर रखने के लिए, ये वाला पंखे में लगी थी वो, तो वो अभी तक हिले पड़ा, बहुत देर से हिल रहा है। तो फिलहाल अभी हम ये वाले लौटे हैं, अभी एक लोटा भर लिया है, और इस वाले कपड़े से हम सफाई करेंगे, इसमें भी बहुत देते हैं ये वाला, एक कपड़ा ये है, अब इसको भी इसके अंदर धो देते हैं, अब चलते हैं वहां लेके, चलो चलते हैं। करो बस के बैठ जाओ, नहीं फिलहाल देखो मैं अभी इस पे ऊपर चढ़ गया हूँ यहाँ पर से, और ये देखो ये है गुम्बद, वहां से लास्ट तक है, यहाँ से यहाँ तक है, अभी मैं यहाँ से डायरेक्ट यहाँ चढ़ जाऊंगा। तो ये देखो नीचे कुछ ऐसा है इधर वहां तक, वो अभी हम चलते हैं उस तरफ और सफाई करना शुरू करते हैं। पहले लेते हैं नंद भाई से लोटा, नंद भाई लोटा देना, थोड़ा नीचे आओ, थोड़ा मैं नीचे आऊँ, थोड़ा इधर से आगे देखो अगर आ पाओ तो आराम से, बस 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 यहीं से ले लूंगा, बिस्मिल्लाह। फिलहाल अभी आ गया हमारे हाथ में लोटा। हाँ तो ये देखो मैं बता रहा था ना पंखों को कितनी धूल है, देखो बहुत धूल है उस वाले में भी है, ये पूरी जगह पानी मारना यार, इतनी देर लगेंगे उसमें यार, बहुत धूल है। बहुत धूल है, तो यार पानी मारेंगे तो वो सब कुछ हटाना पड़ेगा हमें वहां पर जो ऐसी चीज है। चलो तो मैं पहले ये साफ कर लेता हूँ।
अभी हमने ये देखो, ये वाला, ये वाला, ये वाला, और ये सबसे बड़ा वाला, और यहाँ से वो पूरे लास्ट तक साफ कर दिए, बट यहाँ तक मेरा हाथ पहुंचा, मैंने ये यहाँ तक कर दिया है। उधर के हम करेंगे उससे, वो जो खड़ी है सिंपली उससे करेंगे वहां के। और ये लोटा, यहाँ देखो ऊपर का क्या हाल है भाई, ये देखो इस कुर्सी पर भी मैं खड़ा था यहाँ पर। तो अभी फिलहाल जो है मैं नीचे उतर के आ गया हूँ, हमारे वासिफ भाई भी हमारे साथ में आ चुके हैं। और वासिफ भाई, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। अस्सलाम, बढ़िया काम कर रहा हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह। फिलहाल हमने ये देखो माशाल्लाह सामने का सारा साफ कर दिया है, अभी ये साइड वाला साफ कर रहा है। अभी मैं ऊपर चढ़ा हुआ था, यहाँ से मैंने साफ करा, और ये जो सारा एरिया देख रहे हैं ये अदनान भाई ने साफ कराया अभी। तो वासिफ भाई उधर की सफाई, और इतना सा रह गया। हाँ भाई क्या कह रहा है, तस्वीर हटा दूँ माशाल्लाह, ये यहाँ पर तस्वीर रख दूँ। तो ये जो टाइल्स हैं छोटी वाली, यहाँ से वहाँ तक अदनान भाई सारी साफ कर रहे हैं शैम्पू लगा के, और इस तरफ की मैं कर दे रहा हूँ शैम्पू लगा के, ठीक है। तो फिलहाल अभी हमने ये शैम्पू लिया है और इसको पूरा डाल दिया इसके अंदर, निकल गया, इसको इसमें पूरा मिक्स कर देंगे बढ़िया करके। अब ये कया कपड़ा अपना इसको ऐसे करके ठाक बना लेंगे। तो अभी फिलहाल हमने ये कपड़ा ले लिया और ये हमारा कपड़ा है, और अभी हम टाइल को बनाने में करते हैं। ये देखो टेंशन नहीं करता बहुत, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ऐसे चमका देना हम बिल्कुल टाइल में, बेसिक बहुत ज़्यादा फूल हो रही है ये पेंट के निशान। भाई ये तो होने से रहे, ये तो साफ नहीं होगा मुझे लग रहा है। यहाँ पर ये देखो ये पेंट के निशान है, बट ये चले जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है। बट ये जो दिख रहा है आपको, ये यहाँ पर ये टेप चिपका हुआ था पहले, उन्होंने पेंट कर दिया। मैंने उनसे कहा था कि ये पेंट कर रहा है और टेप के निशान चले हैं। इस वाली टाइल्स पे देखो भाई किस कदर की धूल है, मैंने वहां से यहाँ तक तो साफ कर दी, लेकिन इस वाली टाइल्स पे बहुत ज्यादा धूल है। ये देखो पूरी धूल है यहाँ पर ज्यादा, ये ऐसे पता चलेगा, ये देखो कितनी धूल है, बहुत धूल है। तो ये वाली को साफ, तो फिलहाल अब हम रख रहे हैं ये वाली फंदली, ये देखें माशाल्लाह। ये देखो ये क्या हुआ भाई, भाई ये क्या हुआ। फिलहाल सारी सफाई हो चुकी हैं, और अभी हमने सारी चटाइयाँ भी बिछा दी हैं, देखो सारी चटाइयाँ बिछा दी हैं, और सामने की भी सारी सफाई हो गई। और ये अदनान भाई और वासिफ भाई हमारे लगा रहे हैं घड़ी, ये वाली घड़ी लगा दी है। माशाल्लाह किस कदर की चमक गई है, मैंने तो सफा करी है, देखो कितनी साफ सुथरी जगह हो गई माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये वाली जो टाइल्स थी ये भी हमने सारी साफ कर दी है, ये देखो माशाल्लाह चमक रही है सारी, ये देखो माशाल्लाह माशाल्लाह। यहाँ की भी सामने वाली भी सारी साफ कर दी हमने माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा सफाई करके। ये देखो भाई ये तो बिल्कुल चमका दिया अदनान भाई ने, टाइम वाला है ना जो। सफाई वगैरह सारी हो चुकी है मस्जिद की, और अभी मैं आ गया हूँ घर पे। तो यार आज का जो ये व्लॉग था ना वो हमारा था पूरी मस्जिद की सफाई का, तो हम इस व्लॉग को यहीं पर ही ख़त्म करेंगे। अगर आप लोग को व्लॉग ज़रा भी पसंद आया, थोड़ा सा भी अच्छा लगा, तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं जल्दी के नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।